जिम जी को लॉन्च किया है और अच्छा काम किया इन्होंने, जो फर्स्ट के हिसाब से होना चाहिए, और काफ़ी मेहनत किया इन्होंने और सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सड़की पे है तो कोई मंदिर में छोड़ जाता है, कैरेक्टर है वो लेके आता है और वो उसको पालता है, लेकिन उनकी वाइफ उसको लाइक नहीं करती हैं और उसकी शादी होती है जहाँ उसके साथ, वहाँ भी धोखा होता है। पैसे ही बहुत लग रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिल्म की तरह नहीं बन रही है। तो ये भी जानना चाहूँगा क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर अच्छे राइटर्स लेंगे, अच्छी कहानी चुनेंगे और कहानी पे अगर वर्क करेंगे तो क्यों नहीं पिक्चर चलेगी? बिल्कुल ज़रूर लोग पसंद करेंगे। हाँ, भूत को तो मैं भी नहीं मानता हूँ और देखता हूँ व्हाट्सएप पे तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि ये मजाक है, लेकिन हम लोग गांव में शूटिंग कर रहे थे और थोड़ा ठंड का टाइम था, रात को 12 बजे सारे गांव वाले चले गए, हम लोग 8-9 आदमी बच गए थे और ठीक 12 बजे के बाद मतलब सब कोई उल्टा काम कर रहा है, कैमरामैन से लेकर हर कोई। बाद में जब हमने कहा असिस्टेंट को, सुनील यादव को, कि फ़ोटो निकालो, ऐसे ही मूड इन लोग का फ्रेश करने के लिए, जब फ़ोटो निकाला तो वो काफ़ी देर तक आगे पीछे करता रहा, मैंने कहा अरे फ़ोटो निकाला, जब उसमें देखा तो एक लेडी बैठी हुई थी, उसी टाइम हमने शूटिंग पैकअप किया और उसके बाद दोबारा वहाँ नहीं गए। सामने नहीं दिखाई दे रही थी, सामने नहीं क्लिक करना। हाँ, सामने नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन मोबाइल में दिखाई दे रही थी। आशीष खांबे, राजेश शुक्ला जी, अतुल श्रीवास्तव, जया मौर्या जी, आनंद मोहन जी, वन्नी मिश्रा जी और रिमझिम जी। अगर आप भी फिल्म देखेंगे या पब्लिक देखेगी तो पिछली फिल्म देखेगी, कहानी बहुत पावरफुल है, वो सिर्फ फिल्म पे ध्यान जाएगा उनको, और कास्टिंग मेरी एकदम परफेक्ट है और वो पिक्चर देख के ऐसा नहीं लगा किसी को कि इसमें बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वंदनी जी और आनंद मोहन जी बस ये दो हैं और आप देखिएगा कि पिक्चर एकदम भरी है। फिल्म की शूटिंग सोनभद्र दुधी में हुई है और ये दशहरा तक रिलीज करने की प्लानिंग। किस तरह की किरदार? हाँ, फिल्म आ रही है ससुरा धोखेबाज, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, एक फुल नारी प्रधान फिल्म है ये। ये मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। मैं एल्बम की हूँ, मतलब 10-15 एल्बम की हूँ और डायरेक्टर को सब लोगों ने देखते हैं, आज तो सब का ऐसा ज़माना है कि सब लोग देख सकते हैं, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा होगा तो लिए। अच्छा, फिल्म में और कौन कौन स्टार कास्ट है? हाँ, इनमें आनंद मोहन जी कॉमेडी में हैं, वंदनी मिश्रा जी हैं जो मेरी माँ के करेक्टर में हैं, और राजेश शुक्ला जी हैं, आशीष खांबे हैं, बबलू करेंट हैं, अतुल श्रीवास्तव हैं और भी बहुत सारे करेक्टर, लेकिन ज़्यादातर मेरा रोने वाला है बहुत ज़्यादा, और सब मतलब जो होता है मूवी में अच्छा है पूरा। ससुरा धोखेबाज ये रीमा फिल्म के अंडर बन रही है, इसके प्रोड्यूसर रीमा जी हैं, रीमा सिंह जी हैं, रीना सिंह जी हैं, और इसके कहानी शुक्ला जी की है, और इसके प्रोड्यूसर लाल शरण उपाध्याय जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस फिल्म में।